करने से पहले मैं आपको एक छोटे बच्चे से मिलाता हूँ, जो कि देखा जाए तो भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? राघव। अच्छा जी, राघव है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में पढ़ते हो। और आपका स्कूल का नाम क्या है? उपाध्याय पब्लिक स्कूल। अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? IAS। क्यों? क्योंकि मैं सिविल सर्विस इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि लोगों की सेवा कर सकूँ मैं। अच्छा, IAS की फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ। बताना जी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पेपर कौन करवाता है? UPSC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। SDM, DM के बारे में पता कैसे कहते हैं? हाँ। किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन होता है DM? हाँ। अच्छा, इनका काम क्या होता है पता है आपको? हाँ। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा जी, अगर सोचो आपको मैंने IAS ऑफिसर बना दिया। हाँ। तो आप लाठी चार्ज करवा दोगे किसी पे? नहीं, ऐसे बेफालतू में नहीं करा सकते हम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको लाठी चार्ज किसे कहते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताना, जो लाठी चार्ज जो लोगों को कर देते हैं, तो अब अगर आप IAS ऑफिसर होते तो लाठी चार्ज करवा दोगे? नहीं, बेफालतू में नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार होता है। जो जब लॉ एंड ऑर्डर अनकंट्रोल होगा तभी मैं लाठी चार्ज करा सकता हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को अपनी बातों से मैं ही मना लूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया। अब जब खाली टाइम होता तुम क्या करते हो? रैप गाता हूँ। रैप? एक रैप सुना सकता हूँ? सुनाना। 2009 से मैं डाउन सोल्जर खासी है तो मेरे तेरे हाथ में तो खोल। बस 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 बस। चलो, तुम्हें पता है संविधान किसे कहते हैं? हाँ। हैं? संविधान का प्रस्तावना पता है? हाँ। सुनाना मुझे। हम भारत, नहीं एक मिनट, यहाँ पे कैमरा बोलना, एक मिनट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परंपरा लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा। चलो यार, तुम्हें पता है मैं आशा करता हूँ यार तुम अपने मम्मी पापा का नाम या अपने गुरु जी का नाम बहुत ऊंचा करो। ठीक है, अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है, ऐसी मेहनत करना और लाइफ में ना बहुत मेहनत करना। ठीक है, ये बच्चा जो फोर्थ क्लास में पढ़ता है इसकी मेंटेलिटी देखो। जब मैंने पूछा बच्चे को कि आपको मैं DM या SDM बन जाओगे तो आप लाठी चार्ज करोगे, तब इस बच्चे ने क्या बोला कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा कि लोगों को अपनी बातें में कन्वेस करूँ, तब इसके बाद ज़्यादा ही अनकंट्रोल होगा, तब इसके बाद मैं लाठी चार्ज का उपयोग करूँगा। मगर एक करनाल के SDM साहब है, ठीक है, आयुष सिन्हा, इनका वीडियो एक आया था मेरे पास, अगर आपको दिखा दूंगा ना, सच्ची कह रहा हूँ, तो सोचो पता नहीं कैसे भैया इंटरव्यू मेंस कैसे क्लियर करके पास हो गए, मैं समझ में नहीं आया मुझे। अगर आप इनका बयान देखना, इनकी मेंटेलिटी देखना, आप रास्ते पकड़ो, सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखे पे बता रहा हूँ। हम पूरी रात नहीं सोए हैं, दो दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींच रहे अभी हमने 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर छुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? यस सर। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद ना भाई आयुष सिन्हा जो SDM है करनाल के, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर सोचो, अगर आपने मेंस क्लियर करा, इंटरव्यू क्लियर करा, अगर इसमें अगर इंटरव्यू में पूछा जाता कि भैया कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो भाई ऐसे जवाब देते हो, किसी का सिर फाड़ देंगे, किसी को नाड़ा कर देंगे, खून निकाल देंगे, तो उसके बाद किसी को भी गोली भी मार देंगे, हाँ, तो भाई क्या बताना चाहते हो आप? तो भैया सबका अपना अपना अधिकार होता है, जैसे कि आपका अधिकार था, आपको अवसर मिला एक IAS ऑफिसर बनने का, तो भैया लोगों की भी अधिकार है भाई अपनी आवाज़ को लोगों के पास सरकार को बताने के लिए, जो लोगों की आवाज़ है जो सरकार को बताने के लिए कि हाँ क्या क्या मांगे पूरी करनी है, क्या क्या मांगे पूरी नहीं करनी है। मगर दो दिन से सोए नहीं, मगर क्या करें भाई, सिर्फ फाड़ दो,
पैर तोड़ दो, नंगा कर दो, लाठी चार्ज कर दो, मतलब देखा जाए पहले से ही प्लान बना कर रखा है कि हाँ सिर फोड़ना है। और मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लेरिफिकेशन आई कि दो दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते, और उसके लिए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल एक आईएएस अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, जरूर कार्रवाई हो। एलजीएम से मेरी एक ही उम्मीद है कि भैया आप इस वीडियो को देखना और एक बार सोचना, विचार करना, जो आपने जो बयान दिया है ये सही किया है भाई, मेरी तरफ से तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि भैया आपने पूरा ठीक दिया, तो भैया अपनी मेंटेलिटी ठीक कर लो, और एक छोटे बच्चे जो फोर्थ क्लास में पढ़ता है इसकी मेंटेलिटी देखो और दोनों की मैचिंग करके देखना, और एक बार खुद सोचना अगर आपने इस बयान को अगर इंटरव्यू में देते, अगर पूछा जाता ऐसे क्वेश्चन, तो अगर इस टाइम में आप जवाब देते ऐसा कि सिर फोड़ देना, टांगे तोड़ देना, तो दिल पर हाथ रख के बोलना आपका सिलेक्शन होता। निवेदन है कि आप लोग जो आईएएस की तैयारी, मतलब किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी जो कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है हिंदी में बुलवा लो कि इंग्लिश में बुलवा लो, तो भाई कभी भी एक अहंकार मत रखना, अंदर एक घमंड मत रखना कि हाँ आप इस पोस्ट में आने के बाद तो भाई अपनी गरिमा भूल जाओ और सामने वाले की भी गरिमा भूल जाओ, किसी का भी सिर फड़वा देना, किसी का भी करवा देना बिल्कुल मत करना जी, ठीक है। अपनी भी गरिमा रखो, सामने वाले की भी गरिमा रखो, क्योंकि सभी भाई एक इंसान है। देखो मरने के बाद ना कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है, बस जो मेन बात है जो इज्जत इज्जत कमाएगा वो। और देखो जी आपको खुद पता चल गया होगा का नाम क्या एसडीएम साहब को, कि आपने जो बयान दिया ना तो इसमें आपकी क्या होने वाला है। देखो जी नेता 5 साल के लिए आते हैं तो 5 साल के बाद चले जाते हैं, अब इन्हें खुश करने के लिए आपने लाठी चार्ज करवा तो दिया, आपको खुद पता चल जाएगा। और मेरे पास यार बहुत जनों का मैसेज आया कि आप बीजेपी के सपोर्ट हो या कांग्रेस के सपोर्ट हो, यार भाई मैं किसी के सपोर्ट नहीं हूँ, पर ना सपोर्ट होना भी है मुझे, ठीक है, मुझे जो गलत लगता है मैं इसके खिलाफ हूँ, साफ सी बात है। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है भाई, मुझे भारतीय रहने दो, ना किसी पार्टी के दल में घुसड़ो, समझ में आया बात को, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, साफ सी बात है, मैं भाई एक इंसान हूँ और एक भारतीय व्यक्ति हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, आपका अपना भाई राहुल। यह आखिरी चेतावनी है, लॉ के अनुसार यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा। हम